प्राथमिक शिक्षा खंड स्वारघाट के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला टरवाड़ के कमरों में बरसात का पानी आ जाने से स्कूली बच्चों को बाहर बरामदे में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला टरवाड़ के भवन के पीछे सुरक्षा दीवार नहीं है, जिस कारण बरसात होने पर स्कूल भवन के पीछे की पहाड़ी से सारा पानी कमरे में घुस जाता है, जिसके चलते कई कक्षाओं को और छात्र छात्राओं को बरामदे में बिठाना पड़ रहा है। उत्तक स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि भवन के पीछे की तरफ से कमरों में पानी आ जाने से सभी दीवारों में सीलन व गीलापन आ गया है, जिस कारण पिछले कई दिनों से राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं टरवाड़ के बच्चों को स्कूल के बरामदे में पढ़ाई करनी पड़ रही है। इस समय उत्तक स्कूल में पहली से पांचवी कक्षा तक 50 बच्चे शिक्षक ग्रहण कर रहे हैं। बरसात के कारण स्कूल को जाने वाले रास्ते में भी कैंची मोड़ नैना देवी संपर्क सड़क से डंगा गिरने से सारा मलबा स्कूल के रास्ते पर आ गिरा है, जिस कारण नौनिहालों की उत्तक रास्ते से पाठशाला जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तक मलबे का कीचड़ स्कूल के मैदान पर चारों तरफ बिखरा पड़ा है। सूत्रों की माने तो उत्तक स्कूल की सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से 3,45,000 व 885 रुपए की धनराशि का बजट एस्टिमेट तैयार करके 15 अगस्त 2016 को शिक्षा विभाग को भेजा गया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने बजट की मंजूरी अभी तक मंजूर नहीं की है। जब उत्तक समस्या पर स्कूल के केंद्र मुख्य शिक्षक राम सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उत्तक मामले में स्कूल कमेटी व स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल के पीछे सुरक्षा दीवार लगाने के लिए शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कार्यवाहक खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी स्वारघाट शिव कुमार शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले के बारे में अभी तक उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली है। जल्द ही उत्तक स्कूल का स्पॉट विजिट किया जाएगा। बरसात के दिनों में हमारा जो ऊपर से पीछे गली वाला एरिया स्लाइड होता है, उसकी वजह से पानी रुक जाता है और सारा पानी कमरे में निकल जाता है। इसके बारे में हमने कई बार SMC के माध्यम से भी अपने BP साहब डायरेक्टर से निवेदन किया है और इसका एस्टिमेट तक बनवा करके दे दिया है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बरसात के दिनों में मैक्सिमम बच्चे इसलिए बरामदे में या बाहर ही बैठाने पड़ते हैं, सभी कमरों में मॉइस्चर होता है, बच्चे बीमार होने का डर होता है।